सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने पॉम्पकिन लिया हुआ है कद्दू, और इसको पील कर लिया है, धुल लिया है। और जो है फिर ये प्याज लिए हैं दो, एक टमाटर, दो हरी मिर्च, और ये खटाई, खटाई की जगह आप इमली का रस यूज़ कर सकते हैं। और एक कप दाल लिया है, इसको अच्छे से धुल के पानी में भिगो दिया है। मसालों में मैंने यहाँ 2 चम्मच सांभर मसाला लिया है, और 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। सांभर मसाला मैं कैच का यूज़ करती हूँ। छौंके के लिए करी पत्ता, लाल मिर्च, जीरा और मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमने ये टमाटर, कद्दू और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने ली थी, और ये खटाई, ये सब एक कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और ये रहा प्याज। अब इसमें जो मसाले लिए थे सारे मसाले डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ड्रम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो दाल भिगोई थी वो है। और इसमें लगभग लगभग 1.25 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। और फिर इसमें सीटी दे देंगे, 1 सीटी या 2 सीटी में पक जाएगा। जब पक जाएगा फिर छौंका लगाएंगे। ये तेल लिया हुआ है, सरसों के दाने, जीरा, लाल मिर्च और करी पत्ता। करी पत्ता मस्त है इसमें। बस छौंका लग गया, ये हो गया है। अब जो है सांभर में इसे डाल देंगे और ढक देंगे छौंका लगाते टाइम। ये देखिए सांभर बिल्कुल तैयार है। और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत इजी है बनाना।